आखिर वो कौन था जिसने व्लॉगिंग वीडियोस को जन्म दिया? क्यों 31 अक्टूबर यानी आज की रात हैलोवीन मनाया जाता है? और कद्दू को ऐसे काटने का क्या कारण है? जैसे पहले तो कुछ और ही कटता था। जाने आज इस रैंडम फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 3 में। नंबर 5, आजकल के इस तनाव भरे जीवन में डांस और सिंगिंग एक ऐसे स्ट्रेस बस्टर होते हैं जिन्हें अधिकतम लोग अपनाते हैं और जिसमें मजा भी आता है, साथ ही साथ शरीर भी ठीक और स्वस्थ रहता है। उनमें से एक डांस फॉर्म बैली डांसिंग भी है, जो कि इंडिया में तो काफी फेमस है, मगर एक ऐसा भी देश है जहां बैली डांसिंग को सिर्फ औरतों तक सीमित रखा है, और वो देश है इजिप्ट, जहां मर्द चाहे तब भी अपने कूले नहीं मटका सकते। स्ट्रेंज बट ट्रू। नंबर 4, कई बार सिंपल चीजें भी बड़ा धमाका करती है। लोगों की पसंद दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, मगर ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये ना पसंद हो। इसकी मसाज बच्चे से बूढ़े यहाँ तक कि जानवरों के मुंह पर भी स्माइल ला देती है। इसका काम बहुत सिंपल होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल को स्टिमुलेट कर देता है, और यही पार्ट ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट होता है, जिससे मजा दुगना हो जाता है। वैसे इस प्रोडक्ट का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 3, ट्रिक और ट्रीट। ये फेमस कोट तो आपने कई हॉलीवुड मूवीज में सुना होगा, जिसमें लोग अधिकतम बच्चे घर घर जाकर स्वीट्स और कैंडीज मांगते हैं। इसकी शुरुआती दिनों में लोग असली जानवरों की खाल पहनकर ड्रेस होते थे, इस सोच में कि आत्माएं कंफ्यूज हो जाएं और समझे कि ये भी गोस्ट ही हैं। और रही बात कद्दू की, तो पहले शलगम को काट कर डेकोरेट किया जाता था, मगर जब यूरोपियंस अमेरिका में शिफ्ट हुए तो अमेरिका में शलगम महंगा था। नंबर 2, ये फोटो देख आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कोई दंगा या प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर ये फोटो तब की है जब स्वीडन ने लेफ्ट हैंड ड्राइव से अपने को राइट हैंड ड्राइव में स्विच करा, जबकि 83% स्वीडिश लोगों ने मना करा इस रूल को अप्लाई करने से, मगर ये ना हो सका। एक कारण ये भी बताते हैं कि स्वीडन के सभी पड़ोसी देश राइट साइड में ड्राइव करते थे, तो इन्हें भी ये करना पड़ा। लोगों को याद रहे इसलिए गाने बनाए गए जिसमें उन्हें राइट साइड में चलने के लिए बोला गया। यहाँ तक कि कार्टून और मिल्क के पैकेट में भी राइट साइड में चलाने को छापा, मगर आदत एक दिन में बदलती कहाँ और ये हाल हुआ। नंबर 1, दोस्तों यूट्यूब में कई व्लॉगर्स को देखने के बाद मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि दुनिया का सबसे पहला व्लॉगर कौन था, और फिर पल भर के रिसर्च सही में शौक रह गया, क्योंकि व्लॉगिंग भले ही बीते 5 सालों में पॉपुलर हुई हो, मगर व्लॉगिंग आज से 22 साल पहले 2001 में एडम कॉन्ट्रस ने शुरू की थी, जिसने 15 सेकंड की वीडियो दिखाई जो कि उसने अपनी जर्नी में बनाई, और आज तक का सबसे ज्यादा टाइम तक व्लॉगिंग करने वाला इंसान का खिताब भी एडम पे ही है। कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।